घुगुस सेतून जवळच असलेल्या पुरट गावाजवळ सोमवारी 20 नोव्हेंबर रोजी पहाटे 5 वाजताच्या सुमारास हरिराम गोधरा ट्रान्सपोर्ट कंपनीच्या ट्रक चालकाचा अपघात झाला. त्याचा अपघातात जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. संतप्त झालेल्या ट्रक चालकांनी घुगुस येथील HRG कंपनीच्या कॅम्पजवळ आपल्या शेकडो ट्रक उभ्या करून काम बंद ठेवले होते. तसेच 20 लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याची मागणीही केली. ट्रक क्रमांक RJ23TR4409चा चालक हरिसिंग यादव हा मुंगोली कोळसा खाणीतून 4 वाजता ट्रकमध्ये कोळसा भरून निघाला व घुगुसच्या ओल्ड रेल्वे साइडिंगवर कोळसा खाली करून परत जात असताना वणी तालुक्यातील पुरट गावाजवळच चालकाने समोरून जाणाऱ्या ट्रकला मागून जबर धडक दिली. त्यामुळे ट्रकचे समोरचे कॅबिन चेंदामेंदा झाल्याने ट्रक चालकाचा कॅबिनमध्ये दबून मृत्यू झाला. ट्रक चालकांनी कॅबिनच्या गॅस कटरने कापून चालकाचा मृतदेह बाहेर काढला. शिरपूर पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह सविच्छेदनासाठी वणी येथे पाठवला. काही जणांनी अपघातग्रस्त ट्रकच्या क्रमांकावर खोडतोड केली. नमस्कार, मैं आपका साहिल सैयद. हम खड़े हैं HRG के कैंप में. HRG जहां विवाद वहां HRG. जब से हमने होश संभाला है तब से यहां हजारों ट्रांसपोर्ट कंपनी आई, मगर इतना विवादित कंपनी आज तक हमने नहीं देखी. यहां पर जो मेरे पीछे खड़े हैं ये इसी HRG में कोई ड्राइवर है, कोई हेल्पर है. आज यहाँ पर एक हादसा हुआ और इन लोगों का मानना ये है कि 8 घंटे की जगह इनको 12 घंटे की ड्यूटी, 12 से 16 घंटे की ड्यूटी, और उनको इतना प्रेशर किया जाता है ट्रिप के लिए, जबकि अभी WCL का वो जो ब्रिज था वो बंद है, तो इनको 45 मीटर का सफर, 45 किलोमीटर के सफर में इनके ट्रिप हो नहीं पाते, तो इनको जानवर जैसा प्रेशराइज किया जाता है. अगर अभी हम लोगों ने इनसे बात की तो पता चला इनको खाना जो होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, पानी की व्यवस्था नहीं है, मानो इनके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया जा रहा है. बाहर से ये आए हैं, इनके हक के लिए कोई लड़ता नहीं क्योंकि ये लोकल नहीं है. यही चीज का फायदा ये HRG कंपनी उठा रही है. समझ में नहीं आ रहा है हम लोकशाही में है या हुकुमशाही में. यहाँ पर HRG की टोटल हुकुमशाही चल रही है. इन लोगों का दर्द जब हमने सुना तो आंखें नम हो गई. अगर आज भी अगर ये HRG कंपनी नहीं सुधरती है तो हमारे घुगुस के तरफ से हम लोग इसको जरूर बंद करवा के रहेंगे. धन्यवाद.